करते हैं, इसलिए जब कानून की इन्होंने अपना जो है ना वो धज्जियाँ उड़ाई, इन्होंने कहा कि हम हाथापाई करेंगे, तो इमरान न्याजी एक बात बता दूँ, मैं मुझे पसंद हूँ, मैंने जेलें काटी हैं, मेरी पार्टी जेलें काटी हैं, लेकिन तुम्हें आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, सियालकोट में कहीं गौर करो, अगर तुम चाहते हो कि मसीह बरादरी जो है वो नाराज़ हो, उनके जज्बात इश्तियाल का शिकार हो और वहाँ पर कोई खुदा न खास्ता अफसोसनाक वाक़या, उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो आवाम जान ले कि जहाँ जलसा करना था करे, तमाशा लगाना था कराए, लेकिन कानून के साथ खेलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। लंदन के बारे में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस गुफ्तगू करते हुए, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने बताया है कि बेसिकली तो इदारों को एग्जैक्टली उन्होंने इसमें बताया है कि वो किन सरबराहान की बात बेसिकली कर रहे हैं, और इसी तरह की बात गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब भी, आपको पता है गुजरांवाला में उन्होंने बड़ी सख्त बातें की थी माजी में, उन सारी पार्टीज इदारों को मिलायन करने में मेरा ख्याल शायद पीछे नहीं रहती। मैं एक बात बता दूँ, एक पाकिस्तानी के नाते के नाते ने पाकिस्तान आज राय पे खड़ा है और इस मुल्क के लिए बनने में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनकी रूह भी आज तकादा कर रही है कि हमें होश के नाखून लेने होंगे, इस मुल्क को बचाना होगा, मईशत वेंटिलेटर पर है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन शदीद है, अवाम में इंतशार भर दिया है इस इमरान न्याजी की बदतमीजी ने, बद अखलाकी ने, और तमाम सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, जो इदारे हैं चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, अदलिया है, वो पाकिस्तान की सलामती की जामिन है, और हमेशा मैं बदतरीन इंतकाम का सामना किया, मेरे वालिद ने किया, कभी हमने इदारों के खिलाफ हरदा रसाई नहीं की, ये आदमी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ललकारता है जलसों में, ये अपना जो है वो कोई साजिश का जश्न पर नहीं है, वो आवाम को धोखा दे रहा है, जिस तरह इसने आवाम को धोखा दिया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, इसने वादा किया मैं 50 लाख घर दूंगा, लाखों लोगों